जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ और सोनू महल की पिटाई के बाद सुशील कुमार को इस बात का डर था कि पहले तो वो हत्या के मामले में आरोपी देखे जा रहे थे, दूसरी तरफ काला जठेड़ी की निगाहों में उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे क्योंकि उन्होंने सोनू की पिटाई कर दी थी। तो जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी सुशील कुमार को ये डर सता रहा था कि कहीं उस पर कोई हमला ना हो जाए। तो पुलिस प्रशासन ने इसी बात को देखते हुए उनके सबसे बड़े दो दुश्मन जो जेल के अंदर इस समय बंद हैं उनको उनसे अलग कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वो दो दुश्मनों के बारे में आपको बता दें तो एक है संपत नेहरा और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, ये दो बड़े गैंगस्टर हैं कुख्यात तरीके से जो सुशील कुमार से कभी भी यानी कि एनी टाइम जेल के अंदर बदला ले सकते थे। इसी बात को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक मंडोली जेल में सुशील के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ की जेल नंबर 1 के हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहीं उनके विरोधी एक अन्य गैंगस्टर संपत नेहरा को भी मंडोली से तिहाड़ शिफ्ट करने को लेकर खबर सामने आई थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका लगा हुआ है, उसे संपत नेहरा को हाल ही में मंडोली जेल 15 के वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट किया गया। अब इसी जेल के सेल नंबर 1 में पहलवान सुशील कुमार भी पहुंच गया है, जिसके बाद उस पर विरोधी गैंग की ओर से हमले की आशंका जताई गई थी। लेकिन सुशील की सुरक्षा को पुख्ता करते हुए सीसीटीवी के जरिए लगातार 24 घंटे उसकी निगरानी करी जा रही है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ जवान भी सुशील के वार्ड के पास 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। आप सभी को बता दें कि सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर सुशील की जान के पीछे लगे हुए हैं सूत्रों के मुताबिक। इसे देखते हुए ही जेल प्रशासन उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखना चाहता है, जिसकी वजह से इन दो गैंगस्टरों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि सुशील तक इनके हाथ ना पहुँच सकें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।